इतना प्यारा व्यूज है, वो हाय हाय, ये देखिए। तो ये व्यू, इस व्यू को देखने के लिए हम इतने दूर ट्रैक करके पहुंचे, वाओ। तो आप लोगों ने KGF देखा होगा, कोलार गोल्ड माइंस, वो यहाँ से सप्लाई होता है, मतलब इस हाइड्रो पावर से, मतलब यहाँ से KGF है 200 किलोमीटर की दूरी में, और वो यहाँ से मतलब इस ब्लफ एरिया से तब सप्लाई होता है आपका ना। टेंट वगैरह यहीं लग रहा है, अभी जी जा रहा है पानी वगैरह लेने के लिए, तो तब तक मैं कटिंग वगैरह करता हूँ टमाटर की। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मिस्टर को आपका स्वागत करता है। मिस्टर को यानी मैं उदित राणा, और बाकी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को अभी तक जो सिर्फ देख के चले जाते, प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल को भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की घंटी आप तक पहुँच सके। बाकी आज हमारा पूरा का पूरा जो ब्लॉग है वो कैंपिंग का है, जो हमने कर्नाटका के जंगल में अभी लगा रखा है। तो बाकी उसके बाद हम एक गगनचुक्की फॉल्स में जाएंगे, बहुत ही कर्नाटका का बहुत ही प्यारा फॉल्स है, जो आपको देखने को मिलेगा। जो सीनरी है वो इतना ब्यूटीफुल है, बाकी लास्ट पार्ट में आएगा, लास्ट हिस्से में आएगा वो व्यू, बाकी उस व्यू तक जरूर देखना। बाकी बिना देरी के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज पूरा हम यहीं पर कैंपिंग करने वाले हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह पूरा गीले हैं, सब कुछ गीला है, मतलब वो सुखाने के लिए रख रखा है, और स्पेस भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रखा है टेंट लगाने के लिए। बाकी आसपास देखा, लकड़ियाँ भी है, खाना वगैरह भी हमारा बन ही जाएगा। बाकी कल देखते हैं यहाँ से रवाना होने के लिए। यूट्यूबर है दार्जिलिंग। तो यहाँ पर भैया मिले हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला कि मतलब यहाँ पर गगनचुक्की फॉल्स है और एक और फॉल्स है, बाकी यहाँ पर एक एशिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर, जो आप लोगों ने KGF देखा होगा, कोलार गोल्ड माइंस, वो यहाँ से सप्लाई होता है, मतलब इस हाइड्रो पावर से, मतलब यहाँ से KGF है 200 किलोमीटर की दूरी में, और वो यहाँ से मतलब इस ब्लफ एरिया से तब सप्लाई होता है आपका ना। बाकी आज कैंपिंग यही करना है, बाकी आप हमारा भी कैंपिंग, मतलब जो डेली का रोज़मर्रा का लाइफ है, किस तरीके से करते हैं हम, मतलब अगर हम एक जगह पे बैठते हैं, वो आप देखो, एंजॉय करो एंड शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ दोस्तों। मिस्टर गो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह यहाँ सुखा रखे, तो कपड़ों की वजह से हमें वन डे यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। तो अभी हमारा कैंप टेंट वगैरह यहीं लग रहा है, अभी जी जा रहा है पानी वगैरह लेने के लिए, तो तब तक मैं कटिंग वगैरह करता हूँ टमाटर की, क्योंकि खाना भी बन रहा है हमारा, तो नाइफ है नहीं, तो हमारे पास ये खुकुरी है, गुरखा खुकुरी, तो इसी से कट रहा है अभी। तो बाकी चलिए खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, प्याज और टमाटर कट चुके हैं, ओके। अब आग लगाना है, मैंने थोड़ा कपड़े पलट देता हूँ। तो दोस्तों, कपड़े वगैरह पूरे पलट दिए हैं मैंने, तो ये सब्जी वगैरह भी पूरा कट चुका है, अब पूरा सब्जी वगैरह कट चुका है हमारा, हर एक चीज़, तो सब्जी वगैरह काट दिया मैंने। अब थोड़ा आग लगाने के लिए चूल्हा इधर बना रखा है, तो ये चूल्हा इधर है, तो ये छोटा सा चूल्हा है, तो यहीं पर आग जलाना है। अब जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि अभिजीत को भी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो कम से कम 3-4 किलोमीटर बाद टमाटर वगैरह लाना, क्योंकि शाम को भी बनाना है हमें, तो अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, और कल रवाना हो जाना है यहाँ से, बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, ये आग लग चुकी है और ये मसाला भी रेडी हो रहा है हमारा, तो अभिजीत को तो खाना बनाना आता नहीं है, तो खाना वगैरह सारा मैं ही बनाता हूँ, तो
देखिए अभी मसाला हो रहा है गरम, तो लग रहा है अभी हल्का हल्की आंच में। बाकी भूख बहुत तेज लगी है, कल रात से ज़्यादा कुछ खाया नहीं हम दोनों ने, तो अभी अच्छे से बना लेते हैं ग्रेवी वाला, मैं सोच रहा हूँ। बाकी थोड़ा हिला लो, आग वगैरह लगा लो, फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं अभिजीत को गए हुए, अभी तक आया है नहीं, और ये खाना वगैरह रेडी हो चुका है, बस अब खाना है। पता नहीं कब तक आएगा अभिजीत, देखते। कपड़े वगैरह भी सारे सूख गए हमारे, तो आज रात रात यहाँ रुकना है, फिर उसके बाद हमें निकलना है। बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनल दोस्तों ये आ चुका है, भूख से मर गया। 2 घंटा लगा इसको, 3.5 घंटे लगे इसको। तो ये मैं कुकर को खोल के सूंघ के फिर बंद कर रहा था, खा ही नहीं रहा था, भूख से मर गया। तो थोड़ा सा ये न्यूट्रेला वगैरह भी ला रखा है, तो इसने चाय लाया है और ये न्यूट्रेला। बाकी अब खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो दोस्तों सब कुछ पैक हो चुका है हमारा, तो ये टेंट भी हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है, तो आज रात रात यहीं पर गुजारना है। तो ये सब कुछ हो चुका है, खाना भी 2 टाइम का बना दिया था, अब थोड़ी देर सोता हूँ, क्योंकि रात को 2 बजे सोए थे, ये तो थोड़ा लेट ही जगा, लेकिन मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, तो मैं जल्दी उठ गया था। तो थोड़ा सा मैं अभी लेट रहा हूँ, अब ये क्या करेगा, ये भैया जाने, मैं तो लेट रहा हूँ, उसके बाद फिर शाम को वीडियो एडिट करके, तीनों वीडियो एडिट करके मुझे अपलोड भी करना है। फिर कल चमराजा या कोई ऐसी जगह है, वहीं से हमने रेलवे स्टेशन के अंदर जाके फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, फिर हम फिर वहाँ से फिर बाहर पैदल निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों टेंट वगैरह तो पूरा पैक हो चुका है, तो सुबह का नाश्ता हम लोगों ने यहीं पर भैया की दुकान में किया था। तो अभी नाश्ता भी बोले तो चाय और 2 मठरी लिया, उसके बाद यहाँ पर भैया लोगों ने बोला कि जो ये रास्ता यहाँ से गगन चुक्की है, उसके बाद अब वहीं से ही वहाँ पर यहाँ पर खाना वगैरह नहीं मिलेगा, वहीं पर छोटा होटल वगैरह है, तो वहीं पर खा लेना, उसके बाद आप सीधे चले जाना 3 रंगनाथ स्वामी के मंदिर पे, वहाँ पर लंच वगैरह हर एक चीज़ होता है, तो वहाँ पर रेस्ट करना, फिर आपका आगे का सफ़र कंटिन्यू करना। बाकी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के लोकल्स वगैरह, है ना। बाकी थोड़ी देर देखते हैं, ये वाला फ़ोन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चार्ज करने के लिए बोलता हूँ भैया को, बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस हम गगन चुक्की फॉल्स आ चुके हैं, मतलब ये एक डैम है, तो डैम के ऊपर चल रहे हम लोग, तो ये है इस तरीके का। अभी अन्ना हमें ले जा रहे, तो ये पूरा आप देख सकते हो, है ना, ये पूरा डैम बना हुआ है, कैसे जाए। उठा भाई, ये उठा था, चल चल चल, निकल गया। तो आप देखते हैं ये भी कैसे उठेगा, ये पकड़। मैं तो अभी ऐसा कर गया, उठा उठ लेगा ना। आ गया आ गया आ गया आ गया, अटक गए। तो फाइनली गाइस 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम गगनचुक्की फॉल्स पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। वो ये देखिए, इतना प्यारा व्यूज है, वो हाय हाय, ये देखिए। तो ये व्यू, इस व्यू को देखने के लिए हम इतने दूर ट्रैक करके पहुँचे, वाओ। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, ये है गगनचुक्की फॉल्स, और यहीं पर आगे ब्लफ है, डैम, जो एशिया का पहला सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 1902 में, और बनकर रेडी हुआ था 1922 में, इसकी ओपनिंग हुई थी। बाकी व्यू देखो आप, बाकी इस तरीके का व्यू है। बाकी अब हमने यहाँ से निकलना है, मतलब स्टे ट्यून्ड। तो होप दोस्तों व्लॉग आपको पसंद आया होगा और व्यू भी आपको पसंद आया होगा। बाकी हमने दिखाया कि किस तरीके से हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवल करते करते खाना वगैरह खुद ही बनाते हर एक चीज़। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी दबा दो, और नोटिफिकेशन बेल भूलना मत। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक बने रहो आपके मिस्टर गो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।